हमें जो करना है हम करेंगे, और हमको भगवान ने उतनी बुद्धि दी है, हम संवेदनशील है इस मामले में, किशोरी पेडणेकर के सलाह की हमें जरूरत नहीं। दशहरा का दिन या जो शिवाजी पार्क का स्थल है, जगह है, मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाला साहेब ठाकरे जी के विचार कौन आगे लेके जा रहा है, ये बहुत अहम बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सभी लोगों का मानना है, सभी महाराष्ट्र सैनिकों का मानना है, देश की तमाम हिंदू जनता का मानना है, महाराष्ट्र की तमाम मराठी जनता का मानना है कि अगर कोई बाला साहब के विचार आगे लेके जा रहे हैं तो राज साहब ठाकरे हैं। अभी दशहरा मेला से जो शिवतीर्थ पे होगा या आई डोंट नो क्या होगा वो, लेकिन शिंदे साहब स्पीच देंगे या उद्धव ठाकरे स्पीच देंगे, बात यह अहम नहीं है। क्या जो विचार बाला साहब के है वो विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सक्षम है या नहीं है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि एमएनएस वो विचारधारा आगे लेके जा रही है, तो आप वहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर आप? नहीं, हमने तो कोई मांग नहीं की है और ना ही हम करने वाले हैं इस प्रकार की कोई मांग कि हमें उस दिन दशहरा के दिन शिवाजी पार्क मिले, ना हमने कोई एप्लीकेशन किया है। हमारा जो पक्ष का जो रैली रहती है वो गुड़ी पड़वा के दिन होती है और उस दिन हम करेंगे। लेकिन बहुत सारे महाराष्ट्र सैनिकों का ये मानना है कि दशहरा के दिन बाला साहब एक विचार, हिंदुत्व का विचार लोगों के सामने रखते थे, आज के स्थिति में ऐसे कोई सक्षम व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तो उस दिन राज साहब ने उनके विचार रखने चाहिए लोगों के पास। ये लोगों की भावना है, ये लोगों की उनको की हुई एक विनंती है, रिक्वेस्ट है, लेकिन उस दिन वो करेंगे या नहीं करेंगे इसका निर्णय वही करेंगे, राज साहब ही करेंगे। थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी राज साहब को मिलने गए थे, तो एमएनएस शायद से एकनाथ शिंदे गुट को सपोर्ट कर सकते हैं दशहरा मेला के इसमें? इसमें सपोर्ट या इसकी बात नहीं है, परमिशन देने वाले तो सरकार में बैठे है और उनकी रैली उनको करनी है या उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना की रैली उनको करनी है, उनका आपस का मामला है, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि वहाँ से कौन भाषण करता है या कहाँ से भाषण करता है, वो शिवतीर्थ से होता है या किसी और जगह से होता है, उस दिन होता है या किसी और दिन होता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सन्माननीय बाला साहब ठाकरे के विचार, जिससे पूरे महाराष्ट्र की जनता प्रेरित होती है, जिससे पूरे हिंदुस्तान की हिंदू जनता प्रेरित होती है, वो किसके पास है, वो कौन रख सकता है, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट बात है। और हमारा ये मानना है, हमें ये विश्वास है और लोगों को ये विश्वास है कि अगर किसी के पास बाला साहब ठाकरे के विचार है और उनको आगे लेके जाने की क्षमता है तो वो राज साहब के पास है। कामाठीपुरा में जो आपके पार्टी वाले, हाँ देखिए उसके बारे में हमारे जो नेता है नांगावकर साहब, अभी तो फिलहाल जो हमारे पदाधिकारी थे उनको हमने पद से निकाल दिया है, उसके ऊपर आगे हमारे पार्टी के अंदरूनी एक हम इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद उसका निर्णय राज साहब करेंगे। लेकिन पार्टी वर्कर को सिर्फ सस्पेंड किया है, अभी तक पार्टी से बाहर नहीं किया, अभी क्या मर्डर तो नहीं कर सकते उसका, तो जो कार्रवाई उचित है वो करेंगे। किशोरी पेडणेकर जाके देखिए, किशोरी पेडणेकर को उनके पार्टी को देखो, हमें जो करना है हम करेंगे और हमको भगवान ने उतनी बुद्धि दी है, हम संवेदनशील है इस मामले में, किशोरी पेडणेकर के सलाह की हमें जरूरत नहीं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।